माझं नाव श्रीकांत गुरगावकर, मी बर्जर पेंट मध्ये वॉटर प्रूफिंग डिव्हिजन बघतो. दीपक सर आहेत, ते सुपरवायझर आहेत लास्टचे. अजित म्हणून आहे की हे बिझनेस डेव्हलपमेंट बघतात आणि उमेरला तुम्ही ओळखत असतात, ते साईट्स वगैरे बघतात. तर बर्जर पेंट्स आणि सिमेंट शॉपी पेंट शॉपीकडनं तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्याला नवीन काही प्रोडक्ट बद्दल आणि आपल्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या ज्या काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्याबद्दल आपण मीटिंग घेतलेली आहे. वर्ल्ड वाइड देखा जाए बर्जर पेंट वर्ल्ड में 12वें नंबर की कंपनी है, पेंट कंपनी काफी और इंडिया के अंदर अगर देखी जाए तो 4थे नंबर की कंपनी है. और यही अगर इंडिया की बात की जाए तो डेकोरेटिव में बर्जर पेंट 2nd नंबर की कंपनी है डेकोरेटिव में. अगर इंडस्ट्रियल की सेल की जाए तो उसमें बर्जर नंबर 1 कंपनी रैंक करती है. अगर अपना बिजनेस मॉड्यूल पे थोड़ा है कि अपन बिजनेस कितना करते हैं, तो साल का हमारा जो टर्नओवर होता है 7,000 करोड़ का ईयरली टर्नओवर होता है. इसके अलावा जो आप ये देख रहे हो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ये लिखा हुआ है 75,000 करोड़, यानी कि जो बर्जर पेंट्स की वैल्यूएशन है 75,000 करोड़ की. अगर बर्जर कल को बोले कि हमको अपनी पूरी कंपनी बेचनी तो उसकी वैल्यूएशन इतना निकलता है. और अपना ऑल ओवर वर्ल्ड 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जैसे जहाँ पे इलेक्ट मतलब रोबोट से प्लांट वगैरह से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ऑल ओवर वर्ल्ड 23 फैक्ट्रीज है. इसके अलावा 160 स्टॉक पॉइंट है, जैसे नासिक अपना एक स्टॉक पॉइंट है, देहरादून एक पुणे एक स्टॉक पॉइंट है, फिर मुंबई एक स्टॉक पॉइंट है. इसी तरीके से अपना ऑल ओवर इंडिया 160 स्टॉक पॉइंट है. इसके अलावा अपने 25,000 डीलर्स है. 5 साल में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है, एक होता है ना हर एक कंपनी का एक इवैल्यूएशन रहता है कि पिछले 5 साल में कैसे परफॉर्म किया है. तो अगर आप देखेंगे टॉप की कंपनी है जैसे टाटा स्टील, कॉलगेट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये सब टॉप की कंपनी है, इनका सिंगल डिजिट ग्रोथ है. पर अगर बर्जर पेंट्स का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे पिछले 5 साल का, तो 10.12 है, डबल डिजिट में. अगर आप देखोगे इतनी बड़ी अगर 7,000 करोड़ की ईयरली अगर कोई कंपनी सेल कर रही है, उसको हर साल 10% से ग्रो करना बहुत बड़ी बात रहती है. तो बर्जर उस चीज में इतना सक्सेसफुल है कि डबल डिजिट ग्रोथ हर साल कर रही है. ये सब चीज बताने का फैक्टर ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कंपनी का पेंट यूज करते हैं वो पेंट कंपनी कितने साइज की है. मतलब कल को आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि कौन कंपनी कहाँ है, कहाँ का इसका हेड ऑफिस है. आपको पता है किसी को आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है बर्जर पेंट्स का, कोई बता सकता है? बर्जर पेंट्स आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडियन कंपनी है, इंडियन MNC है, भविष्य जो और भी कंट्रीज में ऑपरेट करती है. आपने वीडियो देखी होगी, कईयों ने बांग्लादेश में है, रशिया में है, पोलैंड में है. तो बर्जर का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में. इसके अलावा बर्जर की जो खास बात है वो है ग्रोइंग बाय इनोवेशन. बर्जर एक ऐसी कंपनी है पेंट इंडस्ट्री में जो अपना एक बेंचमार्क रखती है, मतलब एक स्टैंडर्ड बनाती है, फिर उसके ऊपर काम करती है. और इनोवेशन की वजह से ये कंपनी इतने 5 साल से या इतने आने वाले सालों में ग्रो कर रही है. इसका मेन रीजन है कि जो कलर बैंक मशीन आई थी जो आज की डेट में बिना कलर बैंक मशीन के पेंट हम सोच ही नहीं सकते, वो सबसे पहले बर्जर पेंट ने लॉन्च किया था. इसके बाद एक्सप्रेस प्रिंटिंग करके आपने अभी वीडियो भी देखा होगा, ये कॉन्सेप्ट जो लॉन्च किया था उससे पहले बर्जर पेंट ने लॉन्च किया था.